हाय वेलकम टू सीज़लिंग टी तो आज शुरुआत करते हैं शोहेब के मच अवेटेड ब्लॉग की जिसमें उसने पहले ka, पहले कहा था कि कोई आने वाला है और मुझे ये समझ नहीं आता ब्लैक एंड वाइट शर्ट ये वाला प्रिंट का क्या इनको प्यार है एक इनका जो जीजा जी है वो भी ऐसी शर्ट पहन के बहुत घूमता है और बहन भी रातों रात, रात रजाई के अंदर चेंज कर लेती है जनाब भी आजकल ऐसी शर्ट पहन के घूम रहे हैं

तो मैडम से जनाब पूछते हैं कि क्या क्या बना लिया है तो मैडम अपना पूरा लंबी चौड़ी लिस्ट बताते थे बिरयानी बन गई है और चिकन बन गया है रबड़ी बन गई है कुल्फी बन गई है ब्रेड बन गई है दही बड़े बन गए हैं पूरी लिस्ट जैसे होता है ना रेस्टोरेंट में जाते हैं तो दही बड़े मक्खन बड़ा पाव आलू सब्जी पनीर क्या तो वैसे पूरी रटी हुई थी फिर मैडम बोलती और एक चीज और और धर्म दादा फिर वो और पे अटक जाती है मैडम आपकी मेमोरी वीक हो रही है क्या क्या चक्कर है थोड़ा होश में आओ और 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 पता है क्या बोली थी वो सबसे फेवरेट चीज इनकी जी हाँ गुलगुले मैडम आप गुलगुले कैसे बोल सकती हैं और, और और हाँ गुलगुले गले का बेटर <laughs> ऐसे कूद के पड़ी <laughs> अरे मैडम वो तो सबसे पहले होने चाहिए आपके गुलगुले कैसे बोल सकते हो हर इफ्तार में गुलगुले ना बने तो फिर इब्राहिम्स का इफ्तियारी कैसे होगी उसके बाद मैडम जाते बिरयानी में कलर अरे मैडम आजकल फूड कलर नहीं डालते इतना सारा काफ़ी हार्मफुल होता है ये कप में इतना सारा फूड कलर लेके बैठी हुई थी और चम्मच भर भर के बिरयानी में डाले जाती थी ऑयली फूड कलर वाली बिरयानी इतना मतलब मसाले वसाले बनाते हैं डाल डाल के और इतना पुराना तेल और पुराना खाना कल से चार पांच बंदे इनके किचन में लगे पड़े थे और इतनी भयंकर तरीके से तैयारी करिए ना खाना बनाने की जैसे पांच छह सात आठ आट आइटम भाई बंदा एक आने वाला है कितना खाएगा वो तुम और चीजों पे ध्यान दो ना सिर्फ खाने के आइटम पे ध्यान दिए जा रहे लगे एक हो लगे पड़े एकदम एक्साइटेड होके पूरे टाइम और पूरा जैसे होता है ना कम वाली बाई की जैसे से लगी पड़ी दुपट्टा उपट्टा डाल के और जो है तो अपना पूरा ये गमछा सर पे बांध के मैचिंग गमछा मैचिंग टी शर्ट भाई वाली जीजा वाली टी शर्ट पहन के और रेहान अलग ब्लैक शर्ट में तैयारी व्यारी करने में लगे पड़े हैं और ना इतना ठंडा सा माहौल रहता है ना इनके घर में आपस में लोग बात ही नहीं करते कोई जो होता है ना चहल पहल सी रहे इतने सारे लोग हैं सोचो सात आठ लोग रहते हैं अगर इस तारी के टाइम पे लेकिन ऐसे डल डल सा रहते हैं कोई बात ही नहीं करता इतना मतलब जैसे कहते हैं ना कि इतना अ फोर्स्ड बिहेवियर हो चुका है इन लोगों का आपस में कि बहुत ज्यादा ऑब्वियस दिखने लगा है अब और एक चीज मुझे नहीं समझ आई है ट्रेस जो सजाने लग जाते हैं इफ्तारी से पहले अब देखो कब तो फरा आएगी कब बाकी इसके घर के लोग आएंगे ये पहले से सजा रहे भर भर के हाथ वो ही धर्म दादा ने पकड़े हुए हैं पपीते और वो बच्चा भी सेहान लगा हुआ है ये सब लगे हुए हैं तो ये जब कोई आएगा बैठेगा जिसको जितना खाना है उतना ले लेना ये सेम साइज सेम टाइप के फ्रूट सेम टाइप के मतलब अमाउंट ऑफ फूड डाल देते हैं किसी को चटनी नहीं चाहिए किसी को चने नहीं चाहिए ये भर भर के प्लेटे क्यों सजा देते हैं इतना डिस्पोजेबल वेस्ट इतना खाना भी वेस्ट होता होगा मुझे नहीं लगता हर कोई एग्जैक्टली सेम अमाउंट ऑफ फूड खा पाता होगा बट इन्हें सजाना है ना ब्लॉक दिखाना है ब्लॉक के लिए तो हो रहा है इफ्तारी थोड़ी हो रही है इफ्तारी के लिए बातें नहीं है फैमिली में कोई रिलेशन रह नहीं गया सिर्फ ब्लॉक के लिए चल रहा है अब सब कुछ फिर आती है मम्मी जी अम्मी जी अपनी शेयर लेके जी ये हमने बना लिया है बेटी खाला से बनवा लिया है मेरा मतलब अम्मी बना लिया बेटी खाला बना देती बेटी बना दो थोड़ा पकौड़े भजिया नहीं तो दीपिका कहेगी कुछ बना के नहीं लाई तुम तो फिर मुंह सड़ाएगी फिर बेटे बना दो तुम रे सभा को क्या बोले सभा तो कुछ काम की नहीं है तो ऐसे बेटी खाला बना के लेके आई है पीछे पीछे सभा आ रही है खाली हाथ जब दीपिका आती है इनके घर इफ्तारी के लिए हमेशा कुछ ना कुछ लेके आते चाहे भले शरबत लाए ये खाली हाथ अपनी माँ के घर खाली हाथ पहुंच जाती है और सारे टाइम वहीं बना के खाती है इसको पूरी सेवा चाहिए चाय भी कोई और बना दो मेरे पकौड़े कोई और बना दो मेरे लिए पराठे बना दो मैं थक गई मेरा आज आलस बहुत आ रहा है मुझसे काम करने का मन नहीं हो रहा और ऐसे भाभी के घर भी ऐसे पहुंच जाती है तो ये आ गए बैठ गए अब इंतजार हो रहा है मेहमान का अब जैसे ये आया हैं तो यानी शोएब इसके पीछे खड़ा होगा कि मैडम चलिए चलिए मैडम आपका शूट करूंगा अब फरा को भी पता है कि हां भाई सारे दिन तुम बनाते अंदर आई ना सरप्राइज की अकेली आई है बच्चों बच्चों को ही ले आती हस्बैंड को नहीं आना था बट मैडम अकेली आई है ऐसे ही होता है ना फॉर्मेलिटी पीछे पड़े होंगे फरा को लगा चल जानते तो है इफ्तारी कर लेती हूँ एक बार चली जाती हूँ तो आई है पापा जी से मिलके और इतना ठंडा बिहेवियर था ना इनका कि किसी को ऐसा नहीं था कि कोई वार्म लग रही हो कोई एक्साइटमेंट दिख रहा हो कि भाई फरा आई है बाद में बैठ के दोनों कहानियां करे थे हम तो इतने एक्साइटेड थे ये थे वो थे वो भाई दिखा तो है नहीं तुम्हारे अंदर बस वो गले भी एक बार वो जबरदस्ती का दीपिका से लगी बाकी किसी से कोई गले वाले भी नहीं लगी उसने देखा होगा ना तीन चार पांच छे औरतें हैं पता नहीं किस किस से लगों सारे टाइम यही लगती रह जाऊंगी मैं और जनाब ने तो सबको सख्त इंस्ट्रक्शंस दे रखी होगी कोई चू चपड़ नहीं करेगा कोई फालतू का बिहेव नहीं करेगा नहीं नानी तो कूद पड़ती है अरे आ गए है तुम का सब बेटा दे बैठी दे फरा कि हमको हो चुके माता जी बेटा बेटी सब हो चुके आप शांत रहिए अच्छा नहीं मुझे देखा नहीं था तू सबा है या फरा है मुझे तो ऐसा लगा तू ही सबा है अरे माता जी आपकी आईज कमजोर हो गई है क्या मैं सबा नहीं हूँ अरे मुझे लगा तू उसी की जैसे हाइट की आई है ऐसी सी लगती है वो भी मुझे नहीं, क्या बात कर करे वो तीस साल के मैं साठ साल की हूँ अरे वो भी थोड़ी कम थोड़ी ना लगती है साठ से तो ऐसे शोएब ने बोल दिया कोई नानी वानी कूदेगी नहीं फरा ऊपर और अम्मी को भी बोल दिया कोई सलाम वाल छोटो को भेड़ो को सबका सलाम कोई शर्माना वरमानी ये सब कुछ नहीं करना है और सबा से बोल दिया तू तो मुंह बंदी रख लेना वरना बोलते ही जैसे ही तेरे को मौका मिलेगा अच्छा अल्लाह अब फरा खाना डांस कराती है को वही पैटक जाए जवान तो बोलना ही मत, तू तो, मत खोलना अच्छा भाई और सानी को बोल दिया तू चुपचाप बैठा रहना थोड़ा तेरे को इज्जत दे, दे देंगे आ, नकली क्योंकि तो जमाई है घर का तो सोफे तो बैठ जाना बाकी औरतें सब पीछे बैठेंगी नीचे बैठेंगी तो और ये तेरे टेम्परे इज्जत मिल रही है ज्यादा अकड़ मत जाना और ज्यादा बोलना मत वरना तेरे गुटखे वाले दांत भी देख सकते हैं पूछ ले। तो, खाता है, तो, क्यों खाता है तो ऐसे इनको इंस्ट्रक्शन दे के रखा था कि जबान ना खोले और अपना अपनी हरकते ना दिखाए तो फिर ये सब बैठते हैं और उसके बाद इफ्तारी शुरू करते हैं अब आप देखिए और शीतल कोई बुला लेते हैं या शीतल को तो बुलाते हैं भाई शीतल भाभी नंबर टू है हमारी जनाब ने बोल रखा है घर वालों को कि भाभी नंबर टू है ये ऐसा वैसा मत बोल देना शीतल शीतल नहीं है अब से अच्छा मुझे किसी ने एक दो लोगों ने बोला शीतल का ऐसे मत करो यार ये मैं कोई किसी का कैरेक्टर ऐसे ऐसे नहीं करती टाइम पास कर रहे मजाक कर रहे जस्ट फॉर एंटरटेनमेंट बट जो भी है जो हमने देखा उस बेसिस पे थोड़ा बहुत बोल दिया ऐसा कुछ नहीं है तो जस्ट चिल गाइस चिल तो ये भाभी नंबर टू भी आ गई थी ये भाभी नंबर वन भाभी नंबर टू अब बैठ गए इफ्तारी के लिए सनी को तो भैया चैन लेने देती नहीं है उसको बोला तू खाना पीना दुआ सब छोड़ ये सब फिजूल की बातें हैं तू फोन पे चेक करता रहे कमेंट्स आ रहे हैं नहीं आ रहे हैं ब्लॉग मेरा अपलोड हुआ कि नहीं हुआ डिलीट करता रहे कॉमेंट्स पढ़ता रहे इधर उधर भाभी के कॉमेंट्स पढ़ कोई नेगेटिव आ रहा होगा तो मजा आएगा और ये सब उसको लगा के रखती है फोन पे तो बस मेरा काम करता रहे और बेचारा खा भी नहीं रहा लोग दुआ मांग रहे हैं पढ़ रहे हैं नमाज वमाज पढ़ के खाना खाने की तैयारी कर है। लेकिन भाई डाइनिंग तो टेबल तो किस लिए रखते हो तुम लोग ऐसा तो नहीं है ना कि जमीन पे ही करनी होती है डाइनिंग टेबल में भी कर सकते हो वो ये डिस्पोजेबल प्लेट वैसे तो तुम इतनी क्रॉकरी खरीदते रहते हो तुम सामान खरीदते रहते हो तुम्हारे पास स्टील की कांच की कोई भी प्लेटें नहीं थी ढंग से और डिस्पोजेबल वाइट ये रेड एंड वाइट कप और बिस्लरी की बोतल की बोतल उठा के रख दी भाई तुम ढंग से पानी सर्व करो ढंग से तुम खाना सर्व करो और किसी को एक्स्ट्रा लेना हो तो बीच में डोंगे होंगे रखो ताकि लोग अपने आप और सर्व करके एक प्लेट सजा के दे दी जैसे लंगर बट रहा हो ना लंगर में खिला देते हैं जमीन पर बिठा के और सर्व करके प्लेटों में ऐसे सेक्शनल सी प्लेटों में दे देते हैं इस तरीके से वो भी सोचे कहाँ फंस गई मैं क्यों ही आई और उसको साथ ऐसे बैठ के मतलब खाना खाया और शूट कर रहे उसको पता था मेरे को चार एंगल से शूट करे होंगे चार नहीं तीन सॉरी तीन एंगल से अभी चौथा भी कोई निकल आएगा उनमें से धर्म दादा भी सीक्रेटली धीरे से कर रहे होंगे फराग तो मैं भी शूट करूंगा आज तो वो भी सोच रही होगी कॉन्शियसली खा रही होगी पता नहीं किस एंगल से मुझे शूट कर रहे हैं मैं खाते खाते ना मुंह में पानी पीते पीते ना शूट हो जाऊं तो बस उसने बेचारी ने क्या ही खाया होगा और ऑब्वियसली शी इज नाउ हेल्थ कॉन्शियस काफी वेट लूज किया हुआ है उसने तो ऑब्वियसली वो इतना जो फ्राइड बना रखा था इसने सुबह से कि मैंने चिकन बनाया है ब्रेड पकड़े तल रही है पता नहीं क्या क्या डीप फ्राई कर रही है बिरयानी भर के इसने जो बनाई थी पतीला वो उसमें से कुछ नहीं खाने वाली ये सारा मोहदा का गैंग ही खाएगा फिर उसको ना ये गिफ्ट दे रही थी तो अच्छा सा गिफ्ट था सोने का कुछ ब्रेसलेट सा था तो वो जब देने लगी तो ऑब्वियसली दीपिका ने हा थैंक यू थैंक यू पकड़ लो लपक लो जो भी मिल रहा है फ्री में लपक लो सारा कोलैब पकड़ लो कोई आया

दीपिका ने हर बार अपने को पीछे रख के जनाब को अच्छा कंटेंट दिया है। अब तो 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 फराह खान को तो बिल्कुल ये मेरी गेस्ट है, हाँ, है और उसको स्ट्रिक, स्ट्रिक स्ट्रिक्ट इंस्ट्रक्शंस मिले होंगे कि बिल्कुल भी तू उसको दिखाएगी नहीं।, नहीं भाई ऐसे कैसे कर रहे हो भाई हम ऐसा कैसे कर सकते हैं हम साथ साथ है ना भाई भाभी ऐसे क्यों कर रहे हो मेरे साथ तो फिर हम भी अपने कोई गेस्ट लेके आएंगे महोदा से ले आएंगे कोई ऐसा मत करो और फिर आ, मतलब जो भी अभी देखते हैं कौन किसको कितना दिखाता है दीपिका तो डेफिनेटली अपना अपने का व्लॉग में जिसमें बिरयानी और सारे जितने भी इसने आइटम्स बनाए थे डीप फ्राइड आइटम्स उनकी रेसिपी डाल डाल के दो तीन व्लॉग निकालेगी पक्की बात है और फिर फरा को भी थोड़ा सा डालेगी बनता भी है उनका उनके घर में आइए बट सभा का तो बिल्कुल भी नहीं बनता एनी देखते हैं तो फरा थोड़ा बहुत बच्चे से खेलने की कोशिश कर रही थी और कुछ था ही नहीं जैसे मैं कह रही हूँ ना बहुत ही कोल्ड बिहेवियर ऐसे नहीं कि कोई उससे बात कर रहा हो बैठ रहा हो गप्पे मार रहा हो हंसते हुए दिखा रहे हो कुछ जैसे तो ना कोजी होके बैठे हो थोड़ा फ्रेंडली एनवायरनमेंट टाइप लग रहा हो भले ही दूर से दिखा देते दीपिका फरा बैठे हुए सोफे पे गप्पे मार रहे हैं थोड़ा चिल होके बैठे हैं ना 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 कुछ नहीं वो खड़े खड़े बच्चे को गिफ्ट दिया और फिर दीपिका बोलती वो छोटा सा गिफ्ट दे गए छोटा सा सोने का ब्रेसलेट दे गया और भाई और क्या दे के जाएंगे छोटा सा बोलते है कि ऐसे नहीं बोलते हैं बल्कि ऐसे बोलते हैं गिफ्ट दे गए उसकी क्या जरूरत भी नहीं थी जबकि

मतलब की इतनी है उसे लग रहा होगा फराह खान की मूवी में भाई जनाब को हीरो का रोल मिल जाएगा शायद भाई फराह खान ने खुद डायरेक्शन छोड़ रखी है फराख खान को खुद नहीं पता वो नेक्स्ट क्या करने वाली है आपके पति को कहाँ से दे देंगी काम फिर फराह खान तो निकल लेती है अपनी बी एमडब्ल्यू में बैठ के बाय बाय करके फराह को भी लग रहा होगा मैं क्यों आई कुछ तो बता रही थी वो हाँ उस काम के लिए आते थे ना मीरा, मीरा रोड मीरा रोड आते थे तो उसे भी लग रहा होगा मीरा रोड इतनी दूर है क्योंकि जहाँ ये लोग रहते होंगे ऑब्वियसली मीरा रोड आउटर बॉम्बे के टाइप साइड में है तो काफी दूर पड़ जाता होगा थकी हुई सी लग रही थी बिल्कुल फरा, फरा खान बिल्कुल खान लग रही थी। और ये लोग तो हमेशा ही हर चीज में अन इंटरेस्टेड रहते हैं दोनों जने बैठ जाते हैं सिर्फ इसी चीज में इंटरेस्टेड रहते हैं कि बैठ के ज्ञान दें बस तो इनके हजारों ऐसे वीडियोस पाएंगे जिसमें ये दोनों बैठे हैं जनाब ने अपना फोन पकड़ा हुआ है जनाब आगे की साइड है मैडम पीछे की साइड है मैडम जनाब बोलते रहेंगे मैडम उन्हें निहारती रहेंगी पहले मैडम बोलती थी जनाब बैठते थे फिर उन्हें लगा नहीं नहीं मैं डोमिनेट कर रहा हूँ आप हो आप मेरे गुरूर हो आप हो, आप आप मेरे आगे बैठो कैमरा पकड़ो मैं पीछे पीछे बैठ मैं पीछे बैठूंगी मैं रहूंगी हर चीज में पीछे रहूंगी आपसे मुझे शोएब पाइप कहलाना पसंद है मुझे दीपिका का कहलाना पसंद नहीं है तो वो अपना बैठ के तारीफ कर रहे थे फरा मैम कितनी चिल थी डाउन टू अर्थ थी कितनी कोकोनट जैसी है वो बिल्कुल बाहर से कड़क है अंदर से सॉफ्ट है और उनका स्ट्रगल स्टोरी हमने सुनी और सेट पे ऐसी थी वैसी थी और हमारे घर आए हमें इतना अच्छा लगा हाँ ये सब मतलब कहानियां कहानियां करके इतना सारा ज्ञान देके मैडम जनाब को अपलक निहारते हुए निहारे जा रही है अरे भैया बस करो बहुत हो गया ज्ञान तुम्हारा फरा खान आई थी तब तक तो तुम्हारी जवान खुली नहीं तब तो तुम ऐसे इधर से उधर देख रहे हो सर झुका के इफ्तारी कर रहे हो गले लग रहे हो बच्चा को उठा के गिफ्ट ले रहे हो तब तो तुमने इतना बोला नहीं उन्हें कि आप ऐसी थी वैसी थी हमें अपनापन लगता है अरे वो मदरली फिगर है बिल्कुल मदरली फिगर ऐसा प्यार देती है बहुत लाड़ देती है लाड़ दीपिका कहती है बहुत लाड़ देती है पहले इनकी अम्मी लाड़ देती थी अब ये लाड देती है भैया लाड वाड़ मत बोल बहुत हो गया दीपिका ये भी बताती है कि जब हम उनके घर गए थे उन्होंने इतना प्यार दिया था तो उन्होंने ना क्या किया था झलक जब खत्म हुआ था तो पार्टी दी थी तब शायद उस टाइम की बात करें क्योंकि इसके अलावा तो फराह खान के घर जाने का इनका कोई मतलब ही नहीं बनता तो फराह खान से एक्चुअल इनका जो कॉन्टेक्ट आया है कॉन्टेक्ट में आए ये लोग उसी टाइम पे आए हैं तो बेसिकली वो बताना चाह रही थी अरे चिनाब ने बहुत ट्राई किया थोड़ा सा कहीं से कॉन्टेंट बन जाए थोड़ा सा कंटेंट बन जाए लेकिन मैडम ने स्ट्रिक्टली मना कर दिया था कि बहुत सारे लोग हैं मत करो सब लोग दारू वारू पी रहे हैं तो अच्छा नहीं लगेगा किसी की रेपुटेशन लड़कियां डांस कर रही है तो जनाब तो एकदम बौखलाए हुए थे तो मैं तो जनाब पे नजर रख के बैठी थी कि जनाब इधर तो फिसल ना जाए इसलिए मैं ब्लॉग शूट नहीं कर पाई लेकिन बहुत मजा आया था और उसके बाद ये आ, अंदर किचन में आते हैं धर्म दादा दिखते हैं कहते है, धर्म दादा क्या हो गया तो धर्म दादा के ना माथे पे चोट लगी हुई थी इसमें स्क्रीनशॉट में शायद साफ नहीं दिख रहा होगा बट लग रही थी तो धर्म दादा कहते है, मैं होली पे ना गिर गया था तो कहता है ज्यादा पीली थी क्या इतनी पीली थी क्या अरे भाई हो सकता है होली पे लोग ऐसे हरदंग सा मचाते हैं भागते दौड़ते हैं फिसल जाते हैं पानी भी होता है वो कहता नहीं मैं पीता नहीं हूँ तो ऐसे किसी पे इस टाइप का कमेंट करना वो भी चलते हुए ब्लॉग में ठीक नहीं है तो थोड़ा सा ध्यान रखो क्योंकि आपके ऊपर कोई बोलेगा तो आपको पसंद नहीं आएगा फिर आप सफाईयां पेश करने लग जाते तो एकदम ऐसे धर्मदादा के ऊपर इस से स्ट्रेट अवे कॉमेंट पास कर रहे थे वो तो गलत ही था उसके बाद ये दीपिका इफतारी करिए नेक्स्ट डे शुरू हो जाता है बोलते इफतारी अरे मैंने कहा अभी तो इफतारी की थी फिर कपड़े देखे मैंने कहा ओहो कपड़े बदल लिए यानी नया दिन हो गया होगा तो ऐसे तो मैडम जी इफतारी बनाती रहती है गुल गले पकौड़े समोसे डीप फ्राई कुछ ना कुछ हाथ हाथ भर के अपना आ रहे ऐपरन बांध लो आपके दुपट्टे कपड़े खराब हो जाएंगे मुझे तो यही लगता रहता है चिपक जाएगा किसी दिन इसके कपड़ों पे फिर वहीं से साफ कर लेगी है और जनाब कहते हैं जनाब इधर तो घूमते रहते हैं मैचिंग गमछे पहनते हैं मतलब जो भी है सर पे बांधा हुआ है इन्होंने कल काला पहना हुआ है आज ब्राउन के साथ एकदम ज़िप खोल के जैकेट जश्न की नुमाइश करते हुए और एकदम पूरा अपना दिखाते हुए पूरा नेक लाइन मैडम ऊपर से सर से पाव तक ढकी हुई होनी चाहिए जनाब जो मर्जी करे जो मर्जी पहने जो मर्जी दिखाएं तो जनाब कहते हैं यार दिपी मुझे एक आया है मैं गिव अवे का सोच रहा हूँ अवे कैसे करना चाहिए और फिर गिव अवे वाला उसका दिमाग में चलने लगता है फिर बाकी सारी पलटन आ जाती है खाना खाने अब रिजा बेचारी को भी दुपट्टा डाल दिया लोगों ने लिखा इसको दुपट्टा पहनाओ ये बड़ी हो गई है अरे यार छोड़ो ना ये दुपट्टा उपट्टा खुद जो दुपट्टा लेने का हिजाब लेने का नाटक जिसने रचाया था उससे तो रच नहीं रहा है उससे तो आधी बार जब हिजाब उतरता रहता है उससे बस का नहीं है तुम एक छोटी लड़की को और सर पे दुपट्टा चढ़ा दो और यहाँ बैठे भाभी नंबर टू भाभी नंबर टू मैं भाभी नंबर टू और उसके बाद जब रिजा जब ये सभा एंटर होती है ना तो सभा आती है पहन के अपना पैंट टाइप कुछ उसको देखते शोब बोलता है अच्छा मोहदा जाने की तैयारी वही बोलते हैं हाँ, मोहदा जाने की तैयारी ये मोहदा जाते वक्त तो तुम बड़ा पैंट वैंट पहन के आ गए यहाँ पे तो तुम सूट पहन के घूम रही फिर रही होती हो मोहदा जाते के नाम पे इसको एकदम मॉडर्न बनना होता है फिर ये बैठ के इफ्तारी वगैरह करते हैं और इफ्तारी के बाद ये सनी खेलने लग जाता है इसके साथ बच्चे के साथ तो मैंने पहले भी एक दो बार बोला है कि सनी जेनुअनली इस बच्चे को प्यार करता है उठाता है अपने आप ही वो ऐसे ब्लॉग के लिए नहीं उठाता वो दिख जाता है सबा उठाती है व्लॉग के लिए सबा को ऐसा कंटेंट चाहिए होता है कि मैं अपनी गोदी में ले लूं और फिर लोगों को दिखाऊं अपना व्लॉग में एज अ कॉन्टेंट शूट कर लूं बट सनी हमेशा जेनुअनली उसके पास जाता है हमेशा और प्यार से उसे मुस्कुराता है उठा लेता है यहाँ पे तो बच्चा भी डर गया ये कौन है बच्चे की आईज देखो ये अलिफ लैला आंटी अलिफ लैला आंटी आ गई अलिफ लैला ये इसके अजीब अजीब कपड़े पहन के आते बच्चा एकदम खौफ में है दो जने व्हाइट में दो जने ब्लैक में ये कौन है भाई ये हमारे यहाँ कलरफुल तो होते हैं मेरी अम्मी तो थोड़ी बहुत कलरफुल होती है नानी भी ये तो एकदम भैया कौन से दो देश से आए हैं ये लोग तो वो थोड़ा घबराया हुआ है एकदम फुल ऑन ब्लैक में बच्चे को लेने की कोशिश कर रहे थे बच्चा आ नहीं नहीं रहा है है उसको आने में कोई इंटरेस्ट वो पह, पहचान भी नहीं रहा है कि आप कौन है भाई माता जी आप कौन है मेरे को अंकल ही पसंद है अंकल की गोदी में रहूंगा मैं अंकल थोड़ा प्यार से तो लेते हैं आप तो ऐसे घोल घोल घुमा के छोड़ देती है मुझे बस देखो बच्चे को इंटरेस्ट नहीं है और बच्चे को जिस जिससे प्यार मिलता है ना बच्चा अपने आप जाता है हमेशा उसके पास जाएगा जहां से उसे प्यार मिलेगा बट वो सनी के पास से जाने के लिए रेडी नहीं हो देख ही जा रहा है बस फिर भी इसने ले लिया छोड़ा थोड़ी नहीं सनी ऐसा नहीं मेरे को गोदी में लेने दे फिर मेरा भी कंटेंट बन जाएगा मैं क्या दिखाऊंगी बच्चे को तो मेरी गोदी में होना ही चाहिए ना रूहान के नाम का कामने बनाना है मुझे तो वो ले लेती है लपक लेती है एकदम छोड़ती नहीं है तो यहाँ शोए पूरा ज्ञान बांट रहा था कि YouTube से मैं गिव अवे करूँ या इंस्टा से करूँ YouTube से मैं वेरीफाई कैसे करूंगा यूजर सही है नहीं है इंस्टा पे तो लोग डीएम कर सकते हैं ब्ला 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 वो सब कहानी नहीं कर रहा था तो सब कहती हाँ भाई इसीलिए मैंने Instagram से शुरू किया है YouTube से हाँ भाई मुश्किल होती है भाई मुश्किल होती है YouTube पे भी तुम कर सकते हो अपना ईमेल आईडी वगैरह शेयर कर सकते हो लोग तुम्हें रीच आउट कर लेंगे इतना भी कोई आफत नहीं है थोड़ा कॉमन सेंस रखो तो शोब कहता है मैं ना गिव अवे करूंगा दुबई से जो मिला था झलक पे मिला था दुबई में नहीं, झलक पे मिला था तो ये ट्वेल्व प्रो का कोई फोन है तो वो कहता मैं ये गिव अवे करूंगा उन्होंने वहीं पे लॉन्च किया था ये वो वो तो जिसको चाहिए वो मुझे बताना और शोहेब मेरे इंस्टा आईडी पे लोगों को मतलब उसके थ्रू रीच आउट करेंगे हम और जिसका अकाउंट नहीं इंस्टा पे बना लो तो बेसिकली अब इन्हें अपनी एंगेजमेंट इंस्टा पे बढ़ानी है दो चार फ्री की चीज़ें जो इन्हें मिली हुई है ना उस जो इन्हें चाहिए नहीं क्योंकि फ़ोन तो ऑब्वियसली इनके पास आईफोन वगैरह होगा इस टाइम तो जो भी एक्स्ट्रा फ़ोन फ्री के मिल गए हैं और कुछ चीज़ें मिल गई हैं फ्री की वो इंस्टा पे इंस्टा के थ्रू ये गिव अवे कर देंगे और इंगेजमेंट बढ़ जाएगी जो बेचारे इनको इनसे एक्सपेक्ट करते हैं कुछ मिल जाए वो इंस्टा के अकाउंट बना बना के इनको रीच आउट करेंगे तो ये सब ना गेम है सिर्फ अपनी एंगेजमेंट बढ़ाने का अपनी पॉपुलैरिटी बढ़ाने का और ये मैडम बैठी हुई ऐसे निहारने के लिए कोने में बस अपनी दीपिका बैठ जाती है कुछ नहीं अब जनाब को उन्हें प्रेजेंट करना है ना जनाब को मेन फोकस देना है सभा तो हट जगह हट जगह ज़्यादा जा जा मत आ सेंटर में वही आने चाहिए जनाब आने चाहिए सभा तो ज़्यादा एरिया मतलब कोने में बैठ तो अब सबक आएगा ब्लॉग मोहदा जा रहे हैं फ्रेंड्स मोहदा जा रहे हैं ईद ईद मनाएंगे सारा ईद का कंटेंट भाई ले जाएगा और हमारे पास कुछ नहीं बचेगा अब देखना आप फ्रेंड्स अगर हमें याद करना और हो सके तो फ्रेंड्स मैं कोशिश पूरी करूंगी मैं एक दिन टिक थोड़ा घबराहट का बहाना करके रो धो के मैं वापस आ जाऊँ ताकि मैं ईद यहाँ मना सकूँ तो चलिए गाइज इफ यू लाइक दिस कॉन्टेंट प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब एंड हैव अ ग्रेट डे बाय बाय